जय हिंद बच्चों, मैं सचिन सिरमौर आपका वीएसआर अड्डा पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे बच्चों, बहुत खुशी की बात है कि वीएसआर अड्डा की तरफ से क्लास 11th और क्लास 12th का एकेडमिक मैथ स्टार्ट हो गया है। मेरे बच्चों, आज मैं एकेडमिक मैथ में अलजेब्रा का सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। सीक्वेंस एंड सीरीज, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज इस चीज पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम किसी चीज का शुरुआत करते हैं, कुछ भी आप शुरुआत करो, ट्रिगोनोमेट्री कर लो, अलजेब्रा कर लो भैया, कैलकुलस कर लो, प्रोबेबिलिटी कर लो, स्टैटिस्टिक्स कर लो, उसके पहले जो भी हेडलाइन होता है ना, उस पर चर्चा किया जाता है। अगर यहाँ पे हमने लिखा है सीक्वेंस एंड सीरीज, तो इसका मतलब क्या होता है? सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज में हमेशा आते हैं। बाद में ना समझ नहीं आता, सर ये प्रोग्रेशन क्या होता है, सर ये सीक्वेंस क्या होता है, सर ये सीरीज क्या होता है, सर अरिथमेटिक क्या होता है, ज्योमेट्रिक क्या होता है, ये सब टर्म को ना डिफाइन करके, जिसको हम बेसिक डेफिनेशन कहते हैं, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं बेसिक डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज में, तो कुछ कॉमन टर्म इस्तेमाल होते हैं, जैसे सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है मेरे बच्चों? सीक्वेंस की बात करें तो इस वर्ल्ड में बहुत सारे नंबर है। जैसे आप बात करें नंबर की, जैसे आप 6 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, जो मन में आता वो ले लो। अगर इस नंबर की बात करें तो इस नंबर का ना कुछ नाम होता है। जैसे मैं बात करूं 6 की, तो 6 क्या है भैया? आप बोलोगे इवन नंबर है। 8 क्या है भैया? तो इवन नंबर है। 5 क्या है? तो भैया ऑड नंबर है। अब बोलोगे सर आप बताना क्या चाह रहे हो? मेरे बच्चे, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि दुनिया में जितने भी नंबर है, सबका ना अपना रूप होता है, अपना गुण होता है। अगर मैं इस नंबर को एक स्पेशल कैरेक्टर से, एक स्पेशल मेथड से अगर मैं अरेंज कर दूं, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, जैसे भी आपको अरेंज करना हो कर दो, लेकिन एक स्पेशल रूल को फॉलो कर दे, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। उस चीज को हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। यहां तक मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा कि सीक्वेंस क्या होता है। दूसरी टर्म की बात करूं सीरीज। अब भैया सीरीज क्या होता है? अगर ये सभी सीक्वेंस को आपने ऐड कर दिया, आपने सम कर दिया, उस चीज को ना सीरीज बोलते हैं। यहां तक आपने समझ गया होगा सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है। थर्ड चीज की बात करें तो प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन कुछ नहीं होता है, एक तरीके का ना सीक्वेंस ही होता है, ये भी स्पेशल रूल को फॉलो करता है। ये हो गया सीक्वेंस, ये हो गया सीरीज, ये हो गया प्रोग्रेशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगले दिन मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके अगले दिन डिस्कस करूंगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और फिर सबको ना कंबाइन करके पढ़ के फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अब चैप्टर का शुरुआत करते हैं। ये सब आपके कॉमन टर्म थे जो इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाले हैं, मैंने पहले ही आपको डिफाइन कर दिया, ताकि आप बाद में मेरे को ये ना बोलो सर सीक्वेंस क्या होता है, सर सीरीज क्या होता है, इसलिए मैंने आपको डिफाइन कर दिया। मैं बात करूं कुछ कॉमन चीज जो कि सीक्वेंस के बारे में मैं बताना चाहता हूं, सीरीज के बारे में आपको बताना चाहता हूं। जैसे कोई नंबर है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसमें ना आपको कुछ दिख रहा होगा, दिख ये रहा होगा कि इसके और इसके बीच में डिफरेंसेज, इसके और इसके बीच में डिफरेंसेज, इसके इसके बीच में डिफरेंसेज, और इसके इसके बीच में डिफरेंसेज, सारे के डिफरेंसेज ना कॉन्स्टेंट आ रहे हैं, मतलब एक ही वैल्यू आ रहा है। जैसे 2, 2, 2, 2, 10 तक आप सबने पढ़ाई किया होगा कि इस चीज को जो डिफरेंसेज होते हैं उसको अरिथमेटिक में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम शॉर्ट में डी भी बोलते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं सी डी, इसी चीज को ना हम अरिथमेटिक बोलते हैं, कि इसके आगे वाले टर्म को घटाने पे, आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से घटाने पे अगर वैल्यू कॉन्स्टेंट आता है एक लगातार पैटर्न पे, उस चीज को ना हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बात करूं तो जो पहला टर्म होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। आपकी मर्जी, आप किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ए से ही डिनोट करेंगे और कुछ और से ही डिनोट करेंगे। अगर मैं अगली चीज की बात करूं तो 10 तक आपने पढ़ाई किया होगा कि व्हाट इज द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या होता है। nth टर्म की बात करें तो लास्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं nth टर्म, जो लास्ट का टर्म होता है। मेरे बच्चे, इस चैप्टर में एक प्रूफ पढ़ना है, nth टर्म का, इस चैप्टर में प्रूफ पढ़ना है nth टर्म का। तो देखिए उस चीज को मैं आपको बताता हूं। अगर मैं बात करूं प्रूफ ऑफ nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस चीज की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि बहुत सारे टर्म दिए हुए हैं, जैसे 2, 4,
सिक्स एट टेन ट्वेल्व और 14, बहुत सारे टर्म आप लिख लो, जो मन में है जो लिख लो, अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिख लो, बस इसके कॉमन डिफरेंस सेम होने चाहिए, अरिथमेटिक फॉर्म में होने चाहिए। इसके ना अरिथमेटिक फॉर्म में होने चाहिए। विपुल ये छोटा क्यों नहीं हो रहा? इसको बड़ा ही हो जा रहा है, वही मैं बोलूं कि छोटा क्यों नहीं हो रहा। चलो कोई नहीं, अब मैं बात करूं प्रूफ ऑफ एनिथ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है प्रूफ ऑफ एनिथ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? मेरे बच्चे अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो चलो आप समझ जाते हो कि ये पहला टर्म है, ये आखिरी टर्म है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा टेन तक, टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। थोड़ा राइटिंग खराब है उस चीज के लिए सॉरी। तो इस चीज को ना हम प्रूफ करेंगे कि कहां से आते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे, पहला टर्म को अगर हम ए बोल दें, तो दूसरा टर्म क्या आएगा? अगर इसके इसके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, इसके और इसके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है टू, इसके इसके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है टू, इसके इसके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है टू। अगर पहला टर्म को ए मानते हैं, तो दूसरा टर्म क्या आ रहा है? ए में अगर हम डी को जोड़ देते हैं तो दूसरा टर्म आ रहा है। तो इसको a प्लस डी लिख सकते हैं दूसरा टर्म? बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं तीसरा टर्म की बात करूं, तो क्या हो रहा है, ये a को 2d से मल्टीप्लाई करें, कॉमन डिफरेंस को दो बार मल्टीप्लाई करो, अगला टर्म आ रहा है। अगला टर्म की बात करें चौथा टर्म कैसे आ रहा है? तो a के साथ ना सर थर्ड कॉमन डिफरेंस को ना आप मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड टर्म आ जाएगा। मेरे बच्चे a को हम क्या लिख सकते हैं? a को हम ये लिख सकते हैं, ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बात तो बराबर है, वन में से वन जाएगा जीरो आएगा, आंसर तो वन ही है, ए ही आ रहा है। अगली चीज की अगर मैं बात करूं ए प्लस डी क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी। थर्ड में क्या है भैया? ए प्लस टू डी को क्या लिखेंगे? ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी। ऐसे करते करते ना हम आगे बढ़ते जाएंगे, आखिरी में क्या होगा, एक टर्म आएगा जिसको एनिथ टर्म बोलते हैं, तो यहां पे आप ध्यान देना, अगर टर्म 2d आ रहा है तो 3 से माइनस कर रहे हैं, अगर टर्म d आ रहा है तो 2 से माइनस कर रहे हैं, अगर टर्म 3d आ रहा है तो 4 से माइनस कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर टर्म लास्ट आखिरी का टर्म आ जाए, एनिथमा टर्म आ जाए तो क्या करेंगे? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी चीज को ना हम टीएनथ टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसी चीज को? टीएनथ टर्म। समझ गए आप कि कहां से आता है ये, कैसे प्रूफ होता है? थोड़ा सा अच्छे से आप देख लो कैसे हमने प्रूफ किया इस चीज को। चलिए मैं अगर अगली चीज की बात करूं आपके साथ, तो फाइंड द सम ऑफ एनिथ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपने 10 तक पढ़ा होगा कि सर एसएन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एसएन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मैं इस चीज को प्रूव करूंगा। इस चीज को प्रूव करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे इजी तरीका है, मैं समझाता हूं, थोड़ा ध्यान देना, बस एक मिनट आप ध्यान देना, बस एक बार में आप समझ जाओगे। मेरे बच्चों कुछ नहीं करना है, एक बार जैसे होता है ना कि आप यहां से 5 किलोमीटर दौड़ो, यहां से 5 किलोमीटर आपने दौड़ा और फिर 5 किलोमीटर वापस आ जाओ और दोनों को ना साथ में मिला दो, यही इसका प्रूफ है। मतलब एक बार आगे से चलेंगे, एक बार पीछे से चलेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखना ध्यान से आप, ध्यान से देखना आप। जैसे मैं बात करूं एसएन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही है ना प्रूव करना। चलो कोई नहीं मेरे बच्चे, अगर मैं बात करूं, अगर एसएन टर्म को क्या लिख सकते हैं? सबको एसएन मींस में क्या, सबको जोड़ना, जितने भी टर्म दिए सबको ऐड करना,
अगर सारे सपोज करो पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए प्लस डी, मैंने बताया था पीछे कि आगे बढ़ते चले जाते हैं, तीसरा टर्म भैया क्या है ए प्लस टू डी है, चौथा टर्म क्या है ए प्लस फोर डी है, सॉरी ए प्लस थ्री डी है, काफी ज्यादा पी नहीं चल रहा है आज, ए प्लस यहां पे हो गया ए प्लस थ्री डी हो गया ए प्लस फोर डी, भैया आगे बढ़ते चले जाओ आप ऐसे ऐसे ना, आप आगे से जाओ, अब क्या करो कि सम को ना पीछे से करो, एशियन टर्म को ना पीछे से चलो, जैसे टीएन हो गया प्लस टीएन माइनस डी हो गया फिर आगे मैं बढ़ तो टीएन माइनस टू डी हो गया, ऐसे करते करते ना चीजों को बढ़ाते चले जाओ, चीजों को क्या करते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, टीएन माइनस थ्री डी हो गया, ऐसे 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 ना आप आगे को बढ़ते चले जाओ, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब मेरे बच्चे मैं क्या करूंगा यहां पे, अब मैं क्या करूंगा यहां तक तो हमने बता दिया, अब चीजों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ऐड के बाद क्या होगा, कुछ ये होगा कि ए डी से ए डी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, भैया ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आगे कैंसिल होते ही चला जाएगा, लास्ट में मेरे पास क्या बचा, लास्ट में मेरे पास ये बचा टू टाइम्स ऑफ एशियन इज इक्वल टू ए प्लस टी एन प्लस ए प्लस टी एन, ऐसे ऐसे करते करते ना बढ़ते चला जाएगा ए प्लस टी एन डॉट 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 डॉट। अब एक बात बताना मेरे को आप, अब एक चीज लिखता हूं मैं टू डॉट 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 डॉट, बोलोगे सर क्या कर रहे हो आप, डायरेक्ट बोलो ना कि कितने बार टू है, तो आप बोलेंगे एन बार टू है, तो ये टर्म ना रिपीट कर रहा है बार बार, ए प्लस टी एन ए प्लस टी एन ए प्लस टी एन और ए प्लस टी एन, चीजें ना रिपीट होते जा रही है, तो इसको क्या करेंगे ना, इसको क्या करेंगे कि इस चीज को क्या करेंगे हम, ध्यान देना आप, इस चीज को हम क्या करेंगे एन टाइम्स कर देंगे, टू टाइम्स ऑफ एसिन इज इक्वल टू कर देंगे एन टाइम्स ऑफ ए प्लस टी एन, यहां तक कोई दिक्कत है मेरे बच्चे तो आप बताना, अगर टू टाइम्स ऑफ एसिन इज इक्वल टू एन इन टू ए प्लस टी एन दिया हुआ है तो एसिन बराबर क्या हो जाएगा एन बाई टू इन टू, अब टी एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, तो यहां क्या लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, यही तो पढ़ा था टी एन का प्रूफ थोड़ा देर पहले, यही चीज तो हमने पढ़ा था, अब ए और ए को क्या कर देंगे ए और ए को मेरे बच्चे कर देंगे 2a, तो n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, ये चीज तो आ गया हमारा प्रूफ। अब मैं कुछ बात बताता हूं आपको, ध्यान देना इस बात को, अगर sn बराबर मेरे बच्चों दिया हुआ है sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, अगर दिया हुआ है तो इस चीज को क्या हम लिख सकते हैं ऐसे sn is equal to n by 2 into first term plus last term, क्या लिख सकते हैं ऐसे, बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है, ये पहला टर्म हो गया सर, अब इसके साथ में जो tnthma टर्म था वो लास्ट टर्म हो गया, हमने पहले ही प्रूफ में आपको बताया था कि tnthma टर्म होता है जो लास्ट टर्म होता है, a होता है जो पहला टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एक और हमें चीज मिल गया, हमने आपको tnthma टर्म को प्रूफ करके बता दिया, हमने आपको sn टर्म को प्रूफ करके बता दिया, sn मतलब क्या होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब मेरे बच्चे हम क्या करेंगे कि इसी बेसिस पे ना कुछ रिफ्रेशमेंट क्वेश्चन लगाएंगे, रिफ्रेशमेंट क्वेश्चन आपका ज्यादा टफ नहीं होगा, काफी आसान होगा, बस ये क्वेश्चन इसलिए आपको तैयार किया गया कि ताकि आपको अगर कंसेप्ट दिया जाए तो आप उस चीज में ना रिफ्रेश हो पाओ। उसके पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या है प्रॉपर्टीज का, आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं अगर बात करूं इफ द सेम क्वांटिटी इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड रिजल्टेड इज आल्सो बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सपोज करो कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ले लो आप 6, 8, 10, 12, अगर इसके साथ में ना आप कोई टर्म को ऐड करते हो, बाय द वे आप 2 को ऐड करते हो,
टू को अगर इसके साथ ऐड करते हो आप, तो रिजल्टेंट भी जो होगा ना एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी होगा, जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। मैं दूसरी चीज की अगर बात करूं, इफ द करिस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एड और सब्सट्रैक्ट, इफ द टू करिस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एड और सब्सट्रैक्ट देन रिजल्टेंट इज ऑल्सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका करिस्पॉन्डिंग टर्म है, उसका करिस्पॉन्डिंग टर्म है, उसके साथ आप घटाते हो बढ़ाते हो उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो रिजल्टेंट भी आएगा वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा, भले चेंजेज होगा लेकिन वो भी क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तीसरे को बात करूं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑल द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन रिजल्टेंट इज ऑल्सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अगर कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है मेरे बच्चे, अगर कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जैसे इस चीज को ही ले लो आप, 8, 10, 12, 14, 16, काफी कॉमन वर्ड है इसलिए मैं इस चीज का इस्तेमाल कर रहा हूं बार बार। अगर इसको आप डिवाइड कर दो 2 से, सब टर्म को डिवाइड कर दो 2 से, तो मेरे बच्चे अगर रिजल्टिंग भी जो आएगा वो भी एक क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी होगा। मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, आने वाला जो टर्म होगा, आने वाला जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। यहां तक आप उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ समझ गए होंगे, सारा कुछ आप जान गए होंगे। सम का प्रूफ किया हमने, nth टर्म को प्रूफ किया, प्रॉपर्टीज डिस्कस किया आपके साथ। अब मेरे बच्चे मैं कुछ रिफ्रेशमेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। रिफ्रेशमेंट क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होगा, बस आपको रिफ्रेश करने के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है। इसके बाद हम इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन में आएंगे, उसके बाद हम कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि कंपटेटिव एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसके पहले हम क्या करेंगे आपके साथ, इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे जो कि बोर्ड में हो गया आपका, या फिर कोई भी नॉर्मल क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूट का पेपर हो गया, उस चीज को हम सॉल्व आउट करेंगे। इस चीज को ना आप सॉल्व करना, क्या है भाई सवाल में, सॉल्व किया आपने? चलो कोई नहीं, हम सॉल्व करते हैं, सवाल ज्यादा टफ थोड़ी है, आपने तो सॉल्व किया होगा क्योंकि आप तेज बच्चे हो। चलो देखते हैं, इफ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 2n^2+1, फाइंड द सीक्वेंस, इज दिस सीक्वेंस इन एपी। हाँ भाई चेक कर लेते हैं, लास्ट टर्म मेरा दिया हुआ है भैया 2n^2+1, बोल रहा है कि ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है। एपी में मेरे बच्चे निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस। 3-4 टर्म अगर मेरे को मिल जाते हैं, अगर उसके बीच में कॉमन डिफरेंस मिल जाते हैं तो पता लग जाएगा एपी में है कि नहीं है। अगर मैं बात करूं nth फॉर्म में दिया हुआ है, तो n का वैल्यू ले लो एक बार 1, n का वैल्यू अगर 1 लेते हो आप तो 1^2, 2 × 1+1, 2+1 3 आ रहा है, पहला वैल्यू क्या आ रहा है 3। दूसरा वैल्यू अगर n बराबर 2 लेते हो आप तो 2^2, 4, 4 × 2, 8, 8+1, 9, दूसरा वैल्यू आ रहा है 9। अगर n बराबर आप 3 लेते हो, तो 3^3, 9, 9 × 2 = 18+1, 19, 3 टर्म से हमें पता लग जाएंगे कि एपी में है कि नहीं है। अगर मैं 9 में से 3 को घटाता हूं तो 6 आता है, 19 में से 9 को घटा रहा हूं तो 10 आ रहा है। क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, कॉमन डिफरेंस कॉन्स्टेंट है? नहीं। तो क्या होगा ये एपी? नहीं होगा ये एपी। समझ गया आपने? चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इस चीज को आप सॉल्व आउट करना। पानी अभी भरे थे क्या? हाँ पानी कब का है ये? अच्छा 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 T1। अच्छा कोई नहीं, चलिए मेरे बच्चे आइए देखते हैं। देखिए सवाल ज्यादा टफ नहीं है, सवाल काफी आसान है, इसीलिए सवाल को मैंने रखा है रिफ्रेशमेंट क्वेश्चन, ताकि आप कंसेप्ट पढ़ो तुरंत रिफ्रेश हो जाओ क्वेश्चन लगा के। हाँ कंसेप्ट मेरा दिमाग में आ रहा है सर। मैं बात करूं, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फॉर विच T1 दिया हुआ इतना, T2 दिया हुआ इतना, Tn+2, Tn = Tn+1। चलिए कोई नहीं, देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ Tn+2, Tn+2 = Tn+1, ये दिया हुआ है भैया। T1 दिया हुआ है 1, T2 दिया हुआ हमारा 2। अब कह रहा है कि 5 टर्म निकाल दो भैया, तो 5 टर्म कैसे निकालेंगे, n का वैल्यू एक बार 1 ले लेते हैं,
इनका वैल्यू अगर वन लेते हैं तो टी थ्री यहां से आता है, पहला टर्म हमें वन दिया हुआ है, दूसरा टर्म हमें टू दिया हुआ है, अब तीसरा हमें निकालना है, चौथा निकालना है और पांचवा निकालना है, यही है ना, और कुछ नहीं है ना। चलो कोई नहीं, इनका वैल्यू अगर हम वन लेते हैं तो टी थ्री आ रहा है, इनका वैल्यू वन यहां पर लेते हैं, वन का वैल्यू वन आ रहा है, वन प्लस टी टू का वैल्यू क्या आ रहा है, टी टू का वैल्यू टू आ रहा है, वन प्लस टू क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इनका वैल्यू टू लेते हैं तो इनका वैल्यू फोर्थ टर्म आ रहा है, टी टू का वैल्यू टू दिया हुआ है, टू प्लस टी थ्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है थ्री दिया हुआ है, तो टू प्लस थ्री कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा मेरे बच्चे। अगले टर्म की बात करें, एन बराबर थ्री लेते हैं तो फिफ्थ टर्म आ रहा है, थर्ड टर्म मेरा क्या दिया हुआ है थ्री, थ्री प्लस क्या हो जाएगा थर्ड टर्म इसके साथ ऐड करते हैं, थ्री प्लस वन फोर फाइव, थ्री प्लस फाइव एट, यही मेरे बच्चे आपका सिक्वेंस हो गया, वन टू थ्री फाइव एट। ये रिफ्रेशमेंट क्वेश्चन है, बनाकर रिफ्रेश हो जाओगे। इसके बाद हम इंटरमीडिएट का क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द सीक्वेंस हुज एनथ टर्म इज 1 बाय 2n माइनस 1 इज द सीक्वेंस ऑफ एपी, ए नहीं होगा एन होगा ना, ये एन होगा आपका यहां पे। चलिए सॉल्व करिए इसको, डू फास्ट, 30 सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत हार्डली से हार्डली। का पीपीटी कितना देर में रेडी हो जाएगा डिफेंस का? चलिए ठीक है कोई नहीं, आइए क्या है मेरे बच्चे भाई इसमें, क्या है इसमें, फाइंड द सीक्वेंस हुज एनथ टर्म इज 1 बाई 2n माइनस 1 इज द सीक्वेंस एन एपी। चलिए कोई नहीं कर लेते हैं भाई, एनथ टर्म हमारा, एनथ टर्म हमारा क्या दिया हुआ है 1 by 2n minus 1 बोल रहा है, सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है, इनका वैल्यू 1 ले लेते हैं पहले, अगर इनका वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 by 2 into 1 minus 1 हो, 2 minus 1 1, पहला टर्म क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इनका वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, अगर मेरे बच्चे इनका वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो 1 by 2 into 2 4, 4 minus 1 1 by 3 आ रहा है, पहला टर्म 1 आ रहा है, दूसरा टर्म 1 by 3 आ रहा है, अगर हम n बराबर 3 लेते हैं मेरे बच्चे, अगर हम n बराबर 3 लेते हैं तो 1 by 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5, 1 बाई 5 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगली टर्म की बात करें, n बराबर 4 लेते हैं तो 1 बाई 2 इंटू 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 7, 1 बाई 7 आ रहा है, क्या इसके कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, 1 बाई 3 में से अगर 1 को माइनस करते हो आप, 1 बाई 3 में से अगर 1 को माइनस करते हो तो 3 माइनस 1 2 बाई 3 आता है आपका, क्या आता है 2 बाई 3। अगला टर्म की बात करें तो 15 इसका एलसीएम आ रहा है, 3 5 जा 5, 5 माइनस 3, 3 5 जा 5 और 5, अब 5 में से आपका 3 गया तो 2 बाई 15, यही आ रहा ना, तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है दोनों का, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, तो क्या ये होगा नहीं होगा, ये एपी नहीं है, ये सिंपली एपी क्या ये नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सारे रिफ्रेशमेंट क्वेश्चन है, अभी इंटरमीडिएट का क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, काफी बेसिक है ताकि आपका कंसेप्ट को हम बिल्ड कर पाए। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, इतना इस एपी में कितने टर्म है भैया, चलो ए बराबर आपका 20 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 25 में से अगर 20 गया तो सीडी, सीडी आपका आ गया 5, तो टीएनथमा टर्म निकाल दो भैया, टीएनथमा टर्म क्या दिया हुआ 100, तो टीएनथमा टर्म अगर 100 दिया हुआ है तो ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका, ए का वैल्यू भैया क्या दिया हुआ आपका, ए का वैल्यू आपका दिया हुआ है मेरे बच्चे, ए का वैल्यू आपका दिया हुआ है क्या 20, कॉमन डिफरेंस कितने हैं 5 है, टीएनथम कितना हुआ 100, 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए 20 प्लस नंबर ऑफ टर्म कितने नहीं मालूम है, कॉमन डिफरेंस कितने 5 के हैं, 100 को अगर 20 में अगर इसको घटाओगे तो 80 आएगा, 80 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 16 आएगा, तो 16 इज इक्वल टू क्या करोगे n माइनस 1 कर दोगे, तो n बराबर कितना आया 7, 17 टर्म इसमें टोटल अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लो अच्छे से आप, 17 टर्म आएगा ना कि ज्यादा आएगा, हाँ देखना सॉल्व करके आप। चलिए इस सवाल को आप बनाना, थोड़ा ये थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक ठाक मतलब नॉर्मल है, क्या विपुल, अच्छा अच्छा अच्छा
चलिए इसको सॉल्व करिएगा भैया। टी सेवेंथ टर्म आप टी सेवेंथ टर्म आपका दिया हुआ है 34, टी थर्टीन टर्म आपका दिया हुआ है 64, टी थर्टीन टर्म दिया हुआ 64। क्या बोल रहा है एपी फाइंड आउट करने के लिए? कोई नहीं, एपी निकाल लेते हैं भाई हम। अगर टी सेवेंथ टर्म दिया हुआ है 34, टी थर्टीन टर्म दिया हुआ 64, तो टी सेवन बराबर अगर 34 दिया हुआ है तो 34 इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन यानी कि 6D। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर 34 बराबर ए प्लस 6D है तो 13 बराबर क्या होगा? 64 इज इक्वल टू ए प्लस 12D। बस एक घटा के आप लिख दो, एक घटा के क्या करो आप लिख दो। अब मेरे बच्चे दो इक्वेशन में आ गया एक्स वाई फॉर्म में। आप जानते हो कि कैसे निकलता है, किस मेथड से निकालने इस चीज को, सब्सट्रैक्ट करके फिर ऐड करके, नहीं मल्टीप्लाई से ही आ जाएगा शॉर्ट में। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6, 4 4 68, ये आता है 68 आपका। दूसरा आ रहा है 2A आ रहा है आपका, फिर आ गया 6 2 12D, यही है ना आपका। अभी इस चीज को घटा देते हैं भैया, माइनस कर देते हैं, ये हो गया खत्म आपका। यहाँ पे माइनस ए आ रहा है, माइनस ए इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस 4, ए का वैल्यू आ गया 4, पहला टर्म आ गया 4। इसी टर्म से कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। अगर ए का वैल्यू 4 आ रहा है, ए का वैल्यू अगर आपका 4 आ रहा है तो 34 में से अगर 4 को अगर घटाते हो तो 30, तो डी का वैल्यू कितना आ गया 5, डी आपका है 5, ए है 4, तो क्या आप सीक्वेंस नहीं निकाल पाओगे? ए इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 5 9 हो गया, 9 प्लस 5 14 हो गया, 14 प्लस 5 19 हो गया, ऐसे ऐसे ना आप आगे बढ़ते चले जाओ। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। चलिए अब तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने अपना कीमती समय हमें दिया, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए और बेस्ट से बेस्ट मटेरियल लाऊं, और मैं कोशिश करूंगा कि सबसे जीरो लेवल से आपको हीरो लेवल तक समझाऊं, चीजों को और बेहतरीन तरीके से बताऊं। अगर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज वीकनेस है, आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वीकनेस है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर वीकनेस है, आपको मैथ समझ में नहीं आता, सर मैथ का शुरुआत कैसे करें, सर समझ में नहीं आता क्या करें, उस चीज के लिए आपको कुछ नहीं सोचना है, बस आप हमसे जुड़े रहिए। आप चीजों को, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि हाँ सर आप बोल रहे हो, रियल में जिस इंसान के पास दम होता है बस उसे दिख जाता है। आप मेरे को 10 दिन 15 दिन 20 दिन का समय दो, 20 दिन आप मेरे से जुड़ो, अगर समझ नहीं आता मैं साफ बोलता हूं आप मेरे साथ मत पढ़ो, मेरे सामने मत आओ, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने 20 दिन मेरे सामने टिक गया तो इसका गारंटी लेता हूं कि 11th 12th का मैथ आपका दिमाग में पूरा छप जाएगा, पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा, पूरा कंसेप्ट आपके पास आ जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री क्या है, अलजेब्रा क्या है, कैलकुलस क्या है, यहां तक कि कोई भी कंपटीशन में आप घुसते हो, एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया, कुछ में भी घुसते हो आप एकदम अच्छे स्कोर करके निकलते हो मैथ में, मैथ में आपको कहीं नहीं सोचना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।